28 जिलों के साथ 25 नई तहसीलें भी गठित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2019 को नए जिले के साथ साथ नई तहसीलों की घोषणा भी की थी। इस घोषणा के बाद फरवरी में नया जिला अस्तित्व में आ चुका है। वहीं अब नई तहसीलों की अब बात है। नई तहसीलों को अस्तित्व में लाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। सरकार की कोशिश है कि जनता तक प्रशासन की छोटी से छोटी इकाई को पहुंचाया जाए, जिससे जनता को शासन की समुचित योजनाओं का लाभ बेहतर से बेहतर तरीके से मिल सके, उन्हें छोटे छोटे कार्यों के लिए दूर दूर तक ना भटकना पड़े। इस कड़ी में वर्षों से लंबित लोगों की मांग को पूरा करते हुए सरकार ने उप तहसीलों को पूर्ण तहसील का दर्जा देने के साथ नए उप तहसीलों की सौगात भी दी है। रिपोर्ट देखिए। 28 जिलों वाले छत्तीसगढ़ में अब प्रशासन की पहुंच लोगों के और भी करीब तक होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ को भूपेश सरकार ने 25 नई तहसीलों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने नई तहसीलों की घोषणा 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर की थी। सीएम की घोषणा के बाद नई तहसीलों को अस्तित्व में लाने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में नई तहसीलों का गठन हो रहा है। नई तहसीलों के गठन से लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। 25 नई तहसील भी बनाई जाएगी, 25 नई तहसील भी बनाई जाएगी, 25 नई तहसील भी बनाई जाएगी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का कहना है कि नई तहसीलें जल्द ही अस्तित्व में आ जाएंगी। नई तहसीलों के गठन से प्रशासनिक व्यवस्था और दुरुस्त होगी, क्योंकि प्रशासन की छोटी इकाई की पहुंच अब जनता के और करीब होगी। जिन लोगों को अभी तक तहसील स्तर के कामकाज के लिए 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके मुख्यालय पहुंचना होता था, वो अब 20 से 25 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच यही है कि जनता के नजदीक जितना हो सके प्रशासन को ले जाने का काम किया जाएगा, इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होती है। नई तहसीलों के अस्तित्व में आने से लोगों को बहुत सहूलियतें मिलेंगी। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय जनता को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि नवीन तहसीलों के गठन का मुख्य उद्देश्य है प्रशासनिक इकाई को छोटा करना, विकास के लिए संचालित योजनाओं का बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करना। सरकार की यह सोच है कि प्रशासनिक पकड़ सीधे गांव के अंतिम छोर तक असरदार साबित हो सके। नए तहसीलों के गठन से तहसीलों की दूरी कम हो जाएगी। किसानों और अन्य लोगों के लिए अपनी जरूरत के मुताबिक तहसीलों तक पहुंचना ज्यादा आसान हो सकेगा। तहसीलों का दायरा कम होने से उसी अनुपात में पटवारियों की संख्या में कमी आएगी, फलस्वरूप पटवारियों तहसीलदारों का पटवारियों पर बेहतर नियंत्रण संभव हो सकेगा। प्रशासन की किसी भी योजना का बेहतर क्रियान्वयन निगरानी तथा उस पर पूर्ण नियंत्रण किया जाना संभव हो सकेगा। इस व्यवस्था के तहत शासन द्वारा संचालित अनेक कल्याणकारी व लाभकारी योजनाओं का प्रचार अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच पाना संभव हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में कई जिले हैं जहां तहसीलों का गठन किया जा रहा है, जैसे कोरबा जिले में हरदी बाजार, दर्री पासान है, तो वहीं जांजगीर जिले में बमनीडीह, बारद्वार, सारा गांव है, बलौदा बाजार में लवन सरसीवा है। इसी तरह से कई और जिलों में नई तहसीलें गठित की जा रही हैं। जिन लोगों को नई तहसीलों की सौगात मिली है, आइए जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तहसील जब कटघोरा में था तो यहाँ से पब्लिक को जाने में बस में कितना टाइम आता है और तहसील पहुँचते बहुत देर हो जाता था। अब हमको डायरेक्ट यहाँ दर्री जाना पड़ेगा, उससे कोई असुविधा नहीं, आदमी साइकिल से भी जा सकता है यहाँ। कोरबा जिले के दर्री को तहसील बढ़ने से यहाँ के आमजन को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसा कि अभी हम लोग कटघोरा तहसील में जाते हैं जो कि 20 किलोमीटर दूर है, और कुछ क्षेत्र कोरबा में भी आता है, वो लोग भी कोरबा जाते हैं जो काफ़ी दूर पड़ता है। अगर दर्री के तहसील बढ़ने से यहाँ के आम जन को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी और फायदा मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी है लवन उप तहसील बनाई तेकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमला पहली बहुदा जाए लागे
अब तहसील बन गए हैं तो बलौदा जाए के बजाय सब बूता लवन में हो जाते। माननीय मुख्यमंत्री जी ले बहुत बहुत धन्यवाद, हम नौकर सदा आभारी रहेंगे। इन नई तहसीलों के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई जनता के और नजदीक होगी। जनता अपने कार्यों के लिए ज्यादा दूरी तक सफर नहीं करेंगे, सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा, लोगों में अपने अधिकारों की जानकारी अच्छे से होगी, वे अपने कार्यों को लेकर जागरूक होंगे। जनता नई तहसीलों के गठन से कितनी खुश है यह लोग व्यक्त कर ही रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार और जनता के बीच नई तहसीलें मजबूत विकास का आधार बनेंगी। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज।